इमरान खान के आपने ऑलरेडी कवर कर लिया लेकिन मैं आई थिंक दो से मिनट और लूंगा कुछ पॉइंट ऐड करने हैं मैंने पूरा इंटरव्यू सुना गौर से इमरान खान का उसमें यह यह हुआ उसका मैं एक जर्नलिस्ट को सुन रहा था कि ये जोनाथन एच बी ओ को इंटरव्यू दिया इमरान खान ने अः कुछ हरस, आ, कुछ अर्से पहले उसमें क्या हुआ कि इमरान खान के क्लिप्स वायरल हो गए जो उन्होंने बोंगियां मारी ना पर्दे वाली वाली उस पे पीटीआई के जो भक्त हैं पीटीआई वालों ने जोनाथन के ट्विटर पे अटैक कर दिया उस पर कि तुमने हमारे प्राइम मिनिस्टर का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तुम क्लिप चढ़ा रहे हो अपने चैनल को प्रमोशन के लिए लेकिन इमरान खान साहब की बातें इस तरह से नहीं देखो भक्तों ने अटैक किया फिर जोनाथन ने ट्विटर में वहां पर बोला कि भाई ये हमारे पॉलिसी नहीं है चैनल की पता चला पीटीआई का जो इनका मीडिया सेल है उन्होंने लीक किए थे ये ने खान साहब की वाह करवाने के लिए लेकिन वो उल्टा तीर इन्हीं को लगा कि वो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल थे वो इंटरव्यू मैंने गौर से सुना बीस मिनट का उसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो क्लोथिंग है जो बहुत फ्यू क्लोथ फ्यू क्लोथ्स डिस्टर्ब करते हैं मर्दों को तो जॉनथन ने उनसे बोला बट आप रिबर्टल आप दिया प्ले बॉय थे इमरान खान ने बोला ये छोटे छोटे कपड़े हैं ये औरतें अगर पहनती हैं तो माशरे में प्रोवोक होते हैं मर्द जोनाथन ने रिबटल दिया बट यू वर इन योर टाइम तो पता उसका जवाब क्या दिया उसने इट्स नॉट अबाउट मी इट्स अबाउट द सोसाइटी इट मीनस इज अ गॉड मैन यानी वो चोरी का जिक्र कर रहा है और जब उससे कहा गया कि तुम भी तो चोर थे इट्स नॉट अबाउट मी यानी इमरान खान के लोग अपने आप को आउट ऑफ लॉ यानी मुझे जवाब कह yeah. रहा है कि me, तुम, जो भी करते रहो, तुम, ना, तुम अकाउंटेबल नहीं इसी हो. के है ना नहीं इसी के ऊपर है ना महावरा नौ सौ छुए खा के बिल्ली हज को चली और कह रही है, मेरा हिसाब लो खान साहब ने हमारी जनरेशन को मेरी जनरेशन को आप भी मेरी उम्र के तकरीबन हमारी जनरेशन को खान साहब ने खराब किया हम देखते थे खान साहब बाहर के मुल्कों में घूम रहे हैं याशि कर रहे हैं मेमो के साथ दोस्तियां कर रहे हैं पार्टियां कर रहे हैं तो हम भी वैसा मानना चाहते थे जब हमारी बारी आई तो हमें ब्राउन साहब कह दिए उन्होंने जबकि खुद सारी उम्र ब्राउन साहब बने रहे हमारी बारी आई तो हमें इन्हें मॉरलिटी का लेक्चर हमें देने लग गए खुद अपने सारे मजे मुझे कर कर आके पूरी जिंदगी गुजार के आप जी हाँ जी ये ऐसे हैं तो यहाँ ऐसे कहते हैं जाने तो बुढ़ापे में सबको याद आ जाता है तांबी बन जाएंगे मौलवी बुढ़ापे में कोई बात नहीं इसमें जोनाथन को ये समझा रहे थे जोनाथन अच्छा अपने आप को ये बहुत वो एजुकेटेड इमरान खान सब समझते हैं जोनाथन आई टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा I tell you, I explain to you the concept of पर्दा। अच्छा उसमें एक और इन्होंने बड़ी controversial बात की है इनका video जो ये interview है ना या तो ये कुछ अरसे इमरान खान साहब बोलना बंद कर दें या इंटरव्यू ना दिया करें इंटरनेशनल मीडिया को मुझे याद है जब अल्ताफ हुसैन ड्रिंक करके इंटरव्यू देते थे ना पूरी जमात उनके इंटरव्यू को डिफेंड कर रही होती थी यही इमरान खान साहब का हो गया मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब सही करते थे पर्ची से ही भाई तरीके ही दो जुमले बोलो पतली गली से निकल लो अच्छा लास्ट हाँ और इसमें बिहेवियर की बात की इमरान खान ने मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा इट इज माई जॉब टू लुक एट दिहेवियर ऑफ माई सोसाइटी नो योर जॉब इज टैक्सेशन योर जॉब इज पुलिस बिहेवियर सोसाइटी अपना खुद डिटर्मिन करेगी यानी ये खुमैनी वाली सी बातें की है माम खुमैनी जो है ना वो बिहेवियर यानी कह रहा है मैं देखूंगा लोगों का बिहेवियर यानी ये काम नहीं करेगा जो प्राइम मिनिस्टर काम होता है टैक्सेशन पुलिसिंग या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे ना ये बिहेवियर हमारा चेक कर रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक I think, वो है। है 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 क्योंकि जो state जो होती होती वो वो को देखकर फिर law making करती है। Legislation होता है, का काम कानून जो होती है। तो वो आप कानून ही बनाएंगे फॉर एग्जांपल अगर एकदम से बीमारी फैल जाए लोग रिवेंज पोन करने लग एग्जांपल अपनी एक्स वाइफ की तस्वीरें लीक करने लग डिजिटल ये ये जमाने की एक प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर आप ये बिहेवियर देते हैं फिर आप आप उस लेजिस्लेट करते हैं हैं सो आई थिंक ये पार्ट ठीक है कि बिहेवियर को देखते एज गवर्नमेंट लेकिन जो वैसे जो इनका कॉन्सेप्ट है कि ये मॉडल पुलिसिंग जो है ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है गवर्नमेंट का कि आपने लीस्ट अमाउंट ऑफ इंटरफेरेंस करनी है लोगों के प्राइवेट लाइफ में क्योंकि जितनी आप इंटरफेरेंस करेंगे उतना ही ऑब्वियसली यू नो आप उतनी पाबंदियां लगाएंगे

तो जॉनथन से इन्होंने बोला हॉलीवुड की लुक एट हॉलीवुड फिल्म और बॉलीवुड इन्होंने हमारा तबाह किया और लोग प्रोवोक होते हैं तो ने फिर रिबटल दिया वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो है है नहीं पेड उसने कहा मैं भी देखता हूं हॉलीवुड की फिल्म मैं तो कुछ एक्चुअली प्रोवोक नहीं होता तो उस पर उसने बिहेवियर की बात की इमरान खान ने और कह रहे नाइट क्लब नहीं होता भाई बिहेवियर आपने उनका फ्रस्ट्रेटेड बनाया कि उनको नाइट क्लब नहीं दे रहे आप खुद एडमिट कर रहे हो तो तो totally ना कि आप अगर अगर कर रहे हो लेकिन उससे पहले आपने अगर segregation किया मर्द औरत को होगा और ये ने ने बात की और उनकी लॉजिक जाती है कि वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वो नहीं उस तरह की फ्री सोसाइटी नहीं है तो अब फ्री सोसाइटी इसी तरह फ्री होती है ना कि आप अपनी जिंदगी को डट के जीते हैं तो फिर आप पांच साल इसको चल फिर सर ऐसा प्राइम मिनिस्टर है इतना इंटेलिजेंट है एक तरफ कहता है मैं को कंट्री तो आप दूसरी तरफ को बोल नाइट क्लब नहीं है कैन यू इमेजिन कितना स्टूपिड बात की उसने बोला हमारी नाइट क्लब नहीं तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा पब्लिक को तो तफरी चाहिए होती जैसे दुबई में तो ये बात की सर ये थोड़े पॉइंट है जो मैंने करने थे सही 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 काम बहुत शुक्रिया थैंक यू सर जजाक अल्लाह आपको खुश रखे जजाकल्ला मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ